A very special good morning to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में. सो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट लेकर आया हूँ. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइंस में केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताने वाला हूं. अगर अंतिम 8 दिनों में आप लोग इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, इनका रिवीजन कर लेंगे, तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर्स से देखने को मिलेंगे. तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट को डिटेल में बता देता हूँ. तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर आपका लिखा है रसायन की भाषा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं. तो ये चैप्टर आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है. एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, बस आपको इस चैप्टर का रिवीजन करना है. इस चैप्टर से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे आते हैं और खासकर आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से एक टॉपिक आपका है मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना. उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है कि एंट्रेंस एग्जाम में आएगा ही आएगा और मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है. तो इस चैप्टर का रिवीजन कर लीजिएगा, आप चैनल पर जाइएगा और 2021 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां आपको सभी चैप्टर लाइन से मिल जाएंगे. करीब मैंने 104 से ज्यादा वीडियोस बनाई हुई है केमिस्ट्री की, चैनल पर जाइएगा और 2021 की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा केमिस्ट्री की, आपको 104 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगी. मैक्सिमम चैप्टर्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या दिया है. नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया है गैसीय नियम, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैसियस लॉस बोलते हैं. तो ये भी चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे आते हैं और ये भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है. इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए हैं, बस आपको अपना रिविजन करना है. तो इस चैप्टर का रिविजन जरूर कर लीजिएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर भी लिया होगा. तो ये चैप्टर नंबर सेकेंड है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इसका रिविजन कर लीजिएगा. फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मैंने यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है द्रव्य एवं रासायनिक संयोग के नियम. तो देखिए ये दोनों चैप्टर्स आप लोगों के अलग अलग हैं, द्रव्य, फिर इसके बाद आपका एक चैप्टर है रासायनिक संयोग के नियम. तो ये दोनों चैप्टर्स भी आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट है. चैप्टर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, द्रव्य वाला भी और रासायनिक संयोग के नियम वाला भी. देखिए रासायनिक संयोग के नियम, इस चैप्टर से लगातार 2 साल आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है इस बार भी पूछा जाए. तो इस चैप्टर का रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा और द्रव्य वाला चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा. इंग्लिश में से बोलेंगे मैटर एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो ये दोनों चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनका रिवीजन कर लीजिएगा. ये चैप्टर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या दिया है, चैप्टर नंबर 4 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा. चैप्टर यहां पे लिखा है रेडियो एक्टिविटी तथा नाभिकीय ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी. तो ये भी चैप्टर मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया है, सभी न्यूमेरिकल्स भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए हैं, बस आपको अपना रिवीजन करना है. और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास अरिहंत की बुक है ना, तो अरिहंत की बुक में इस चैप्टर में रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिए गए हैं न्यूमेरिकल्स के, बुक में चेक कीजिएगा, 2 से 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको एक बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा. वैसे तो मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है, लेकिन बुक में चेक कर लीजिएगा, उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लीजिएगा, वहां से आपको क्वेश्चंस मिलने के चांसेस ज्यादा है, ध्यान रखिएगा. तो इस चैप्टर का भी आपको रिविजन कर लेना है, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही सॉल्व करा दिया है. अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है. नेक्स्ट चैप्टर आपका है धातु अधातु एवं धातु कर्म, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटल नॉन मेटल्स एंड मेटलर्जी. तो ये भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और इस चैप्टर में करीब मैंने आपको 120 प्लस क्वेश्चंस कराए हुए हैं, 120 से ज्यादा क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को यहां पे करवाए हुए हैं
और इसी चैप्टर में आपका एक टॉपिक है धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड। तो धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, और इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस भी अलग से कराए हुए हैं। ये सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में ऐड है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा, सभी वीडियोस ये मिल जाएंगी जो चैप्टर्स मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में 3 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं अकेले इसी चैप्टर से। तो अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या दिया है। नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया है औद्योगिक रसायन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बोलते हैं। ये भी चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, और करीब मैंने आपको 60 से ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में कराए हुए हैं। अगर इतना पढ़ लेंगे ना तो वहीं से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और औद्योगिक रसायन वाले चैप्टर में आपका एक टॉपिक है मेडिसिन से रिलेटेड, यानी औषधि से रिलेटेड। तो औषधि वाला टॉपिक भी मैंने आपको अलग से पढ़ाया हुआ है, उस टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी पढ़ लीजिएगा। सभी वीडियोस आपकी प्लेलिस्ट में ऐड है। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आप लोगों की 104 से ज्यादा वीडियोज हैं, 104 से ज्यादा वीडियोज मैंने बनाई हुई है, जाके चेक कर लीजिएगा और रिविजन कर लीजिएगा। तो ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यहां पे दिया है प्रमुख गैसें, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट गैसेस बोलते हैं। तो ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, बस आपको अपना रिवीजन करना है। और मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी स्टार्ट की थी। कई क्वेश्चन आंसर सीरीज मैंने आप लोगों को कराई हुई है, वो सब भी एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और वैसे तो आप लोगों ने पहले से भी पढ़ा होगा, लेकिन एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि टॉप क्वेश्चन आंसर की सीरीज में मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका दिया है परमाणु संरचना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी पूछे आते हैं, और प्लस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आप लोगों के पूछे आते हैं। इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करना नहीं आता, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। और इस चैप्टर के मैंने आपको एक एक क्वेश्चन और प्लस न्यूमेरिकल्स सभी सॉल्व कराए हुए हैं, बस आपको अपना रिविजन करना है, तो रिवाइज कर लीजिएगा। ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद आपका दिया है अम्ल क्षारक तथा लवण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये भी चैप्टर मैंने आपको पूरा कंप्लीट एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा हुआ है। और जो इस चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी मैंने आपको सॉल्व कराए हुए हैं, बस एक बार अपना रिवीजन कर लीजिएगा। और मुझे लगता है आप लोगों ने इस चैप्टर को रिवाइज भी कर लिया होगा। देखिए, इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में कभी कभी 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पेरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो ये भी चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेरियोडिक टेबल वाला आपका चैप्टर है। तो देखिए, ये चैप्टर तो मैंने आपको पढ़ाया ही हुआ है, और प्लस जितने न्यूमेरिकल्स आपके इस चैप्टर में है, वो भी मैंने आपको कराए हुए हैं। और पेरियोडिक टेबल से रिलेटेड मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने आपको 20 से ज्यादा क्वेश्चन अलग से सॉल्व कराए, 20 से 30 क्वेश्चन अलग से भी सॉल्व कराए हैं, तो वो भी चेक कर लीजिएगा। पूरा चैप्टर मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, अगर एक बार पढ़ लेंगे ये वाला चैप्टर, रिवाइज कर लेंगे ना, तो जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, उसी में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लास्ट ईयर 2020 में जितना क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था, सेम वही आया था जो मैंने करवाया हुआ था, तो एक बार इसका रिविजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या दिया, चैप्टर नंबर 11 आपका है ईंधन एवं महत्वपूर्ण लवण। तो ये दोनों चैप्टर्स आप लोगों के अलग अलग हैं। देखिए, ईंधन को इंग्लिश में हम बोलेंगे फ्यूल, और जो आपका यहां पे महत्वपूर्ण लवण लिखा है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। तो ये दोनों चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है, और खासकर ईंधन वाला। इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आते हैं, लास्ट ईयर भी आया हुआ था, और जो कराया था वही आया था। तो इस चैप्टर का रिविजन कर लीजिएगा। और अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ये ईंधन से रिलेटेड 40 से ज्यादा क्वेश्चन अलग
से सॉल्व करवा दिए थे, और वैसे तो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया ही हुआ है, तो रिवीजन कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट सॉल्व्स वाला चैप्टर है ये भी आप पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में ऐड है, जाके चेक कर लीजिएगा। तो ये दोनों चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं और आप लोगों ने अपना रिवीजन भी कर लिया होगा, तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे है संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग, तो ये भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और संयोजकता ज्ञात करना, वैलेंसी ज्ञात करना मैंने आप लोगों को अलग से बताया हुआ है, इसके ऊपर अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, जाके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में वैलेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे आते हैं, तो ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया, जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए होंगे, उनको पता ही नहीं होगा, तो आपको 2021 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक करनी है, उसमें करीब 104 से ज्यादा वीडियोज हैं, वही आपको चेक करना है, सभी चैप्टर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। और रासायनिक आबंधन, देखिए संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन ये चैप्टर मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ, सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए हैं, और 2020 में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ था, और वही क्वेश्चन आया था, सेम वही क्वेश्चन जो मैंने करवाया हुआ था, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं हुआ था, जो क्वेश्चन आया था वही मैंने करवाया हुआ था। तो एक बार अच्छे से अपना रिविजन कर लीजिएगा इस चैप्टर का। नेक्स्ट आपका दिया है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरण, तो मैं आपको बता दूं अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको उत्प्रेरण से रिलेटेड 25 से ज्यादा क्वेश्चंस करवाए हुए थे, एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरण, इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हुए, बस आपको अपना रिवीजन करना है, और जो कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर के बचे होंगे वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा, उसकी टेंशन आप लोग मत दीजिए। तो ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट आपका दिया है विद्युत रसायन एवं रासायनिक गणनाएं, चैप्टर क्या है यहाँ पे, देखिए ये दोनों चैप्टर आप लोगों के अलग अलग हैं, विद्युत रसायन अलग और रासायनिक गणनाएं अलग। देखिए विद्युत रसायन से कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कभी कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो एक बार इस चैप्टर को देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं अरिहंत की बुक में विद्युत रसायन वाले चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के दिए गए हैं, उनको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, वहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और रही बात इस चैप्टर की रासायनिक गणनाएं वाले, तो ये चैप्टर से मैं कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके आपको जल्द से जल्द सॉल्व करवा दूंगा, वो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है, एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर से मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके सॉल्व करवा दूंगा, चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट में मैंने लिखा है कार्बनिक यौगिक एवं विलयन। देखिए कार्बनिक यौगिक ये अलग चैप्टर है और विलयन ये आपका अलग है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में बोलेंगे कार्बनिक कंपाउंड्स और विलयन को बोलते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था, विलयन चैप्टर से आपका केवल एक क्वेश्चन आया था, और जो क्वेश्चन आया था वो मैंने करवाया हुआ था, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने विलयन से रिलेटेड लास्ट ईयर 5 से 6 क्वेश्चन ही करवाए थे, लेकिन जो एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया, इन्हीं 5 से 6 क्वेश्चन कराए थे, उसी में से आया था। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके सॉल्व करवा दूंगा, जो बचे हुए दिन है इन दिनों में मैं आपको यहाँ पे ये जो चैप्टर्स आप लोगों के हैं, यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 और 16 यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को सेलेक्ट करके करवा दूंगा। देखिए जो क्वेश्चंस इस समय करवा रहा हूं उनका रिवीजन जरूर कर लिया कीजिए, वहां से आपको क्वेश्चंस मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो यहां से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि देखिए ये वाला चैप्टर तो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, जो चैप्टर यहां पे लिखा है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण, लेकिन यहां से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके सॉल्व करवा दूंगा। और रही बात कार्बनिक यौगिक की, ये चैप्टर 2019 में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, तो आप चाहे तो वहां पे जाके चेक कर सकते हैं 2019 की प्लेलिस्ट में, नहीं तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको सॉल्व कराऊंगा ही,
उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए। तो बस इतने ही चैप्टर्स आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने हैं, इनका रिवीजन करना है। और जो चैप्टर्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, यहाँ पे तो मैक्सिमम चैप्टर्स मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिए हैं, यहाँ तक 12 तक जो मैंने आपको बताया, वो खासकर 13 तक यहाँ तक तो मैंने आपको पढ़ाया ही हुआ है। इसके बाद जो यहाँ पे कुछ चैप्टर्स आपके बच रहे हैं, जो यहाँ पे 14, 15 और 16 आपका लिखा है, यहाँ से मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके सॉल्व करवा दूंगा। और पहले भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए भी हुए हैं, जो मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की थी मैंने आप लोगों के लिए, वहां पे मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे जितने चैप्टर्स बताए हुए हैं, एक बार इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनका रिवीजन कर लीजिएगा। अगर अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो इन्हीं चैप्टर्स में से आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में। तो एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा इन चैप्टर्स को। और अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को यहां पे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बता दूंगा। हो सकता है मैं आपको कल ही बता दूं, मैं कल की वीडियो में ही आप लोगों को बता दूंगा कि फिजिक्स में आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं बचे हुए दिनों में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।